नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। पश्चिम बंगाल और केरल में एनआईए की छापेमारी, अलकायदा मॉड्यूल का भंडाफोड़। लोकल के लिए वोकल, त्रिपुरा के सीएम ने लॉन्च किए बांस से बने बिस्किट और शहद की बॉटल। निजी उपयोग के लिए यूएई से खजूर और कुरान लेना पड़ा भारी, केरल सरकार पर 2 केस दर्ज। बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि प्रशासन में बेटे का कोई दखल नहीं, उनका नाम घसीटना सुनियोजित साजिश। स्मृति ईरानी ने कहा कि निर्भया फंड के तहत केंद्र अब तक 3024 करोड़ रुपए कर चुका है जारी। कोरोना काल में अस्पतालों में 24% कम हुए प्रसव, 31% बच्चों को नहीं लगे टीके। एफटीए में आयात शुल्क रियायत के नियम सख्त, छूट देने के लिए देना होगा उत्पाद का निर्माण प्रमाण पत्र। राहुल गांधी ने कहा कृषि बिलों से मोदी सरकार अपने मित्रों का बढ़ाएगी कारोबार। अमर्यादित टिप्पणियों पर लोकसभा में जमकर हंगामा, एक दूसरे के लिए गधा, लुटेरा, डाकू जैसे शब्दों का इस्तेमाल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रसारण से पहले कार्यक्रम पर पाबंदी लगाना न्यूक्लियर मिसाइल की तरह। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से की द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने हर्षवर्धन लोढ़ा को एमपी बिल्डर ग्रुप के सभी पदों से हटाया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को 2019 तक का किसान कृषि ऋण का ब्यौरा पेश करने का दिया आदेश। एस जयशंकर ने कहा कि तीसरे देश में मिलकर काम करना चाहते हैं भारत और जापान। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पीएम मोदी ने सत्ता के गलियारे से परिक्रमा संस्कृति खत्म की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गंभीर दुर्घटना विकलांगता ही नहीं बल्कि मानसिक घाव भी देती है। चालू वित्त वर्ष में यूपी ने जारी किए सबसे ज्यादा 21,45,000 नए मनरेगा जॉब कार्ड। कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज को लेकर संसद के सुरेश ने दिया स्थगन प्रस्ताव नोटिस। एनजीटी ने ठोस कचरा प्रबंधन में खामियों को लेकर केरल सरकार को लगाई फटकार। मौसम विभाग ने बताया कि अगले हफ्ते से मॉनसून की वापसी संभव, उत्तर भारत में गर्म रहेगा तापमान। अजीत डोभाल ने कहा है कि डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पर निर्भरता से वित्तीय धोखाधड़ी के केस बढ़े। पीएमसी बैंक घोटाला, दिल्ली में 100 करोड़ के 3 होटल अटैच, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की कार्रवाई। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के 30 में से 3 परीक्षण उन्नत चरण में पहुंचे। पशुओं पर कृत्रिम प्रजनन तकनीक के इस्तेमाल पर रोक लगाने पर याचिका पर केंद्र को नोटिस। रेलवे का निजीकरण, निजी कंपनियों को मिल सकता है प्राइवेट ट्रेनों का किराया तय करने का अधिकार।